साल 2001 में नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह ने अपने ही परिवार के 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में उनके पिता राजा विक्रम शाह और उनकी मां रानी ऐश्वर्या के साथ 7 और लोग भी शामिल थे जिन्हें मार दिया गया था। इन सभी को मारने के बाद प्रिंस ने खुद को भी गोली मार ली, जिसके बाद 3 दिन तक वो कोमा में रहे और 4 जून को उनकी मौत हो गई। एक्चुअली प्रिंस दीपेंद्र इंग्लैंड के एटन कॉलेज पढ़ने गए थे, जहां उन्हें नेपाली नेता शमशेर जन बहादुर राणा की बेटी देवयानी से इक्स हो गया था, लेकिन इनका परिवार शादी के खिलाफ था और यही वजह थी कि प्रिंस दीपेंद्र शाह को यह कदम उठाना पड़ा। इसके बाद नेपाल की राजनीति पूरी तरह से बदल गई और राजा के भाई ज्ञानेंद्र को नेपाल का नया राजा बनाया गया।